टुडे यू विल स्टडी एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 10। हम आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया होगा। यदि किसी क्वेश्चन नंबर 9 समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इन फिगर, फिगर देखिए दिया गया बट फिगर से मतलब नहीं है। 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैंप सेट, जो फिगर दिया गया है वो लैंप सेट है, वो कैसे बनाया गया है। इट इज टू बी कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ, ठीक है, वो जो है जो लैंप सेट है वह एक डेकोरेटिव क्लॉथ से ढका हुआ है। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, जो फ्रेम है। क्वेश्चन नंबर 10, जो फ्रेम है उसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद क्या है, एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, जो उसकी हाइट है वह है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इट इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। देखिए फ्रेम में क्या है, ऊपर देखिए क्या करने के लिए, ढकने के लिए, मीन्स ऊपर भी जैसे लैंप शेड बगल से है हम राउंड से उसको ढक देंगे, पर ऊपर से फोल्ड करने के लिए, नीचे से फोल्ड करने के लिए उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। वो हाइट कितनी बड़ी है, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ाई गई है, 2.5 सेंटीमीटर नीचे बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे ऐसे में जो टोटल हाइट आएगी वो हो जाएगी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, मीन्स ये आएगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना जाएगा, जो टोटल हाइट है वो जाएगी 35 सेंटीमीटर, मीन्स जो वहां पे क्लॉथ लगेगा, देखिए ये पूरा क्लॉथ के लिए है, जो यहाँ पे क्लॉथ लगने वाला है, जो कपड़ा लगने वाला है, ठीक है, जो कपड़ा लगने वाला है किस शेप में, वह सिलेंडर के शेप में लगेगा, लेकिन ऊपर भी फोल्ड करने के लिए, नीचे भी फोल्ड करने के लिए है। तो ऐसे में क्या होगा, उसकी हाइट 2.5 नीचे 2.5 ऊपर बढ़ा दी गई है, ऐसे में उसकी जो हाइट आएगी वो हो जाएगी 35 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये डायमीटर हो गए, ये हाइट हो गई, अब इसके बाद कितना कपड़ा लगेगा, ठीक, रिक्वायर्ड क्लॉथ, ठीक है, रिक्वायर्ड क्लॉथ इन पूछ रहा है, ठीक, रिक्वायर्ड क्लॉथ, ठीक, इक्वल टू क्या जाएगा, फार्मूला 2πrh। अब देखिए ये चल रहा होगा कि 2πrh क्यों आएगा, ऊपर वाला साइड कहाँ जाएगा, नीचे कहाँ जाएगा, तो ऊपर फोल्ड करने के लिए इसीलिए हाइट बढ़ा दी गई है, ऊपर फोल्ड करने के लिए, ऊपर ढकने के, नीचे ढकने के लिए इसीलिए हाइट को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ किससे मतलब है, 2πrh से मतलब है, देखिए वो सीधा जाएगा, ऊपर फोल्ड किया जा रहा है, बट फोल्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा उससे नहीं मतलब है, जो वहां पे जो क्लॉथ लगा है वो राउंडिंग है सिर्फ, ठीक है, राउंडिंग मतलब वो कर्व सरफेस एरिया है, मींस 2πrh है। तो 2 × π की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितना है, देखिए यहाँ पे डायमीटर इतना हो गया, रेडियस का हो जाएगा 1/2 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई हाइट इसकी है 35, 7 × 5 = 35। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, 22 × 5 = 110 और 2 × 2 = 220 और ये हो जाएगा सब मिला के 2200, इतना हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स इतने क्लॉथ की रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप मतलब क्वेश्चन नंबर 11 को हम तभी बताएंगे जब कमेंट करके उसको पूछेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा बहुत हम इसका डिस्कस कर देते हैं। क्या क्वेश्चन में, द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, ठीक है, मतलब वो पेन होल्डर का डेकोरेट करने वाले हैं। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक पेन होल्डर का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक, उसकी हाइट 10.5 है। द विद्यालय वॉज टू बी सप्लाई टू कंपटीटर्स
विद कार्डबोर्ड, ठीक है, वो सप्लाई कर देता है कंप्यूटर्स के साथ में। इफ देयर वेर 35 कंप्यूटर्स, हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बट टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितना जो है, हाउ मच कार्डबोर्ड बी वॉज रिक्वायर्ड। ठीक है, मीन्स सुबह जो है पूछ रहा है कितना कार्डबोर्ड की रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे 35 है तो इसमें करना विशेष ज्यादा कुछ नहीं है। ये किस स्टेप में, मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक्चुअली वो पेन होल्डर्स जो बनाना है वो सिलेंडर के शेप में बनाना है। ठीक है, जो पेन होल्डर्स बना जिसमें पेन लगानी है वो सिलेंडर के शेप में बनानी है, और जो सिलेंडर के शेप में बनानी है तो आप एक सिलेंडर का फाइंड करके, ठीक है, एक सिलेंडर का फाइंड करके उसमें 35 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मीन्स एक सिलेंडर में कितना कार्डबोर्ड यूज होगा, ठीक है, एक सिलेंडर में कितना कार्डबोर्ड यूज होगा उसका आप फाइंड करके उसमें 35 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, हम आशा करते हैं आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पेन नहीं बनानी, यहाँ पेन होल्डर्स बनाना है। ठीक है, पेन होल्डर्स बनाना है। अब आप अपना सेल्फ माइंड यूज करिएगा, पेन होल्डर्स जब बनाना तो पेन होल्डर्स में कार्डबोर्ड कहाँ पे लगेगा। ठीक है, पेन होल्डर्स में, पेन होल्डर्स आप देखे भी होंगे ऑफिस वगैरह में रखा रहता है, ठीक है, वैसा ही है। तो आप खुद सेल्फ माइंड यूज करेंगे, कार्डबोर्ड कहाँ पे लगेगा, कितना लगेगा, इस पर सॉल्व करिएगा। और इस क्वेश्चन को फुल ट्राई करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करिएगा, आपको ये क्वेश्चन अवश्य बताया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।